वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते में 28 जुलाई मींस के थर्सडे तक रिलीज होने वाली बढ़िया 17 वेब सीरीज एंड मूवीज। और ये इस हफ्ते की लिस्ट का पार्ट टू है, और इस हफ्ते में ही रिलीज हुए बाकी कॉन्टेंट के बारे में मैं इस वीडियो के पार्ट वन में बता चुका हूं, जिसको इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर आपने वो पार्ट वन नहीं देखा है तो आप अभी इस लिस्ट का पार्ट वन भी इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके हुए चेकआउट कर सकते हैं और अपनी एंटरटेनमेंट की डोज को पूरा कर सकते हैं लिस्ट में से अपनी पर्सनल चॉइस की मूवी या सीरीज को चुनते हुए। और ऐसे ही डोज लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप भी बन जाइए हमारी 50,000 के ऊपर की फैमिली का हिस्सा। और बाकी कोई भी सवाल हो, मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा। तो चलिए अब इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 17 पे शुरुआत करते हैं एक क्वालिटी 18+ क्राइम थ्रिलर अडल्ट फिलीपींस की मूवी तहन, जिसे 22 जुलाई से वीवा मैक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया है। और कहानी होने वाली है एक माँ बेटी की, जिसमें एक माँ अपनी ही सगी बेटी के खूबसूरत चेहरे का फायदा उठाते हुए उसे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाल देती है और उसके पैसों पे खुद ऐश करती है। लेकिन लड़की अपने आप पे होते हुए जुल्म को ज्यादा देर सह नहीं पाती, तो क्या करती है आगे इस मूवी में देखिए, जिसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखना पड़ेगा, जो फिलहाल ओनली फिलीपीन की लोकल लैंग्वेज तगालोग में ही और बीच बीच में थोड़ी सी इंग्लिश के साथ रिलीज की गई है। ये मूवी अकेले में ही देखना, अडल्ट एंड मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई है ये मूवी। नंबर 16 पे है 2020 को थिएटर्स में रिलीज हुई एक हिंदी डार्क कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स, जिसे अभी इसी साल YouTube के राजश्री चैनल पे अपलोड किया गया है, जो बॉलीवुड कॉमेडियन एक्टर कृष्णा की मूवी है, जिसकी कहानी एक लड़के आदित्य की है जो पैसों के लिए एक अमीर लड़की से शादी करने के चक्कर में है, और वो इसके लिए अपने एक फ्रेंड की मदद लेता है, बट उसका बैड लक उसका ही अपना फ्रेंड उसकी ज़िंदगी में लाने वाला है। अब आगे कहानी में क्या कन्फ्यूजन्स होते हैं, इस मूवी को फ्री में YouTube पे देखिए। नंबर 15 पे है Amazon प्राइम की एक नई रोमांटिक सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी एनी थिंग्स पॉसिबल, जो 22 जुलाई से Amazon प्राइम पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। और कहानी है एक ट्रांस गर्ल की, और कॉलेज में एक लड़का उसके प्यार में पड़ जाता है उस लड़की की सच्चाई को जानते हुए भी, लेकिन सब कुछ इतना ईजी भी नहीं होता हमारे सो कॉल्ड कल्चर में, जो एक सच्चे प्यार की डेफिनेशन देने वाली कहानी है कि प्यार किसी से भी हो सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। तो उनकी ये लव स्टोरी कितनी दूर तक जाती है इस मूवी में देखिए। नंबर 14 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब कोरियन रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज बिजनेस प्रपोजल, जिसे 26 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे बाकी कई लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया गया है। और कहानी है एक लड़की की जो अपनी जिंदगी में ना शादी करने का डिसाइड कर चुकी है, और ऐसे ही मजाक मजाक में एक ब्लाइंड डेट पे चली जाती है एक लड़के के साथ, और वहां से उसका डिसीजन चेंज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो लड़का एक बड़ी कंपनी का रिच CEO है। तो वो अमीरी को देख के पिघल जाती है, और बाकी क्या करती है आगे इस कोरियन हिंदी डब सीरीज में देखिए। नंबर 13 पे है Amazon प्राइम की एक नई साईफाई मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज पेपर गर्ल्स, जो 27 जुलाई से Amazon प्राइम पे ही रिलीज होने वाली है, लेकिन ये भी ओनली इंग्लिश में ही, जिसकी कहानी टाइम ट्रैवल की है, जब 1988 में चार फ्रेंड्स की कहानी है जो एक दिन एक्सीडेंटली टाइम ट्रैवल करते हुए 2019 में पहुंच जाते हैं, लेकिन कैसे और क्यों आए उनमें से किसी को कुछ पता नहीं है, जहां पे वो सब अपने अडल्ट वर्जन से मिलने वाले हैं, और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एक साथ मिलके इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं, वो इस एडवेंचर भरी थ्रिलर सीरीज में देखिए। नंबर 12 पे है शटर की एक नई शार्क अटैक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी द रीफ स्टॉक, जो अभी 27 जुलाई से शटर के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की जाने वाली है। और कहानी है कुछ फीमेल फ्रेंड्स की, जो कुछ एडवेंचर के लिए अपनी अपनी छोटी कायक बोट्स लेके खुले और गहरे समंदर में चली जाती हैं, लेकिन वहां से उनका वापस आना मुश्किल होने वाला है जब एक बड़ी शार्क उनको अपना शिकार बनाने वाली है, जो एक क्वालिटी शार्क अटैक मूवी है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई अर्जेंटीनियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पीपा, जो 27 जुलाई की दोपहर को ही रिलीज की गई है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश डब में ही देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी है एक एक्स लेडी कॉप की, जो कुछ साल पहले अपनी जॉब को छोड़ते हुए कहीं दूर रिमोट एरिया में मूव हो जाती है, लेकिन अभी एक पेचीदा मर्डर केस के लिए उसे वापस बुलाया जाता है, लेकिन ये केस उसकी जान का ही दुश्मन बनने वाला है। बाकी सभी सवालों के जवाब इस मूवी को देखते हुए ही मिलेंगे आपको। नंबर 10 पे है इस साल के शुरू में रिलीज हुई DC की बड़ी सुपर हीरो मूवी द बैटमैन, जो हिंदी डब में VOD पे तो कुछ टाइम पहले रिलीज कर दी गई थी, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड OTT प्लेटफॉर्म Amazon पे 27 जुलाई से अवेलेबल कर दी गई है। अब इस अमेजिंग मूवी को Amazon प्राइम पे बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए हुए देख सकते हैं। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की एक हिंदी डब टीनेज म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा सीरीज का सीक्वल रेबेल्दे का सीजन 2,
जो अभी 27 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है, जिसकी कहानी कहीं न कहीं इलीट सीरीज की याद दिलाती है। लेकिन दोनों कहानियों का जॉनर डिफरेंट है, तो सीजन 2 की कहानी स्कूल के एक नए साल से शुरू होने वाली है, जब स्कूल में एक म्यूजिकल बैंड की टीम बनाई जाती है, तो उन्हें एक धमकी मिलती है कि सभी लोग उस बैंड को छोड़ दें। बाकी इस बार कितनी कॉमेडी रहती है और कितना म्यूजिक और सस्पेंस, आप अभी नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड हिंदी डब वेब सीरीज द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट, जो अभी 27 जुलाई से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज की गई है, जिसकी सच्ची कहानी है एक माँ बेटी की। जब उसकी बेटी की कुछ फोटोज एक पोर्न वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती हैं, तो एक माँ अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए और उस वेबसाइट को बंद करवाने के लिए अपने आप से ही एक ऑनलाइन लड़ाई करनी शुरू करती है। तो देखिए इस सीरीज में कैसे वो पकड़ा जाता है बंदा और क्या किया जाता है उसके साथ। नंबर 7 पे है एक हॉरर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज प्रिटी लिटिल लायर्स ओरिजिनल सेन का सीजन 1, जो ओरिजिनल HBO मैक्स की सीरीज है, जो पहले 21 जुलाई को अमेजोन पे रिलीज की जानी थी, लेकिन पोस्टपोन होते हुए अभी 28 जुलाई से HBO मैक्स पे रिलीज की जाने वाली है, जिसकी कहानी है कुछ यंग लड़कियों की जिनके पेरेंट्स ने अपनी जवानी में कुछ सीरियस क्राइम्स किए थे 20 साल पहले, जिनकी कीमत अब इन लड़कियों को चुकानी पड़ेगी। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की एक ब्राजीलियन ओरिजिनल इंस्पिरेशनल कॉमेडी ड्रामा मूवी ए कट अबव, जो 28 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, और कहानी है एक माँ बेटे की। जब उसकी माँ कुछ पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, तो उसका यंग टीनेज बेटा अपनी माँ की हेल्प करने के लिए एक बार्बर बन जाता है, और ये काम करते हुए ही उसे पता चलती है अपनी असली काबिलियत, जो इस फैमिली के सारे दुख दूर करने वाला है। बाकी कैसे इंस्पायर करती है, आप इस मूवी को 28 जुलाई से देख पाएंगे नेटफ्लिक्स पे। नंबर 5 पे है साउथ की एक नई हिंदी डब एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मसाला मूवी द लेजेंड, जो अभी 28 जुलाई से हिंदी एंड तमिल में थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है, और कहानी है एक NRI रिसर्चर की जो अभी इंडिया अपने घर वापस आने वाला है, और उसकी फैमिली के अपने हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस होते हैं, तो इंडिया में वापस आने के बाद उसका पंगा मेडिकल माफिया के साथ होने वाला है। बाकी इसमें एक्शन सीक्वेंस काफी बढ़िया लग रहे हैं और VFX वर्क भी काफी अच्छा है। अभी तो थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन नेक्स्ट मंथ अगस्त एंड में हमें OTT पे भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पे है एक एडवेंचर कॉमेडी किड्स एनिमेशन साइलेंट सीरीज होगी, जो 28 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, और कहानी है एक बिल्ली और उसके कुछ और जानवर दोस्त और दुश्मनों की, और ये कुछ ना बोलते हुए भी हमें काफी एंटरटेन करने वाले हैं, जिसको देखने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बस लगाइए और एंजॉय कीजिए। नंबर 3 पे है एक नई ट्रू क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी द ड्यूक, जो अभी 28 जुलाई से इंडिया में बुक माई शो पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही, और ये एक सच्ची कहानी होने वाली है 60 साल के एक बंदे की, जो टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, और एक दिन फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एक बहुत ही एक्सपेंसिव पेंटिंग चुरा लेता है, और ये इस म्यूजियम में हुई पहली चोरी थी। तो देखिए इस मूवी में कैसे उसने इस परफेक्ट चोरी को अंजाम दिया, जिसे कोई पकड़ नहीं पाया कई सालों तक, और जानिए बाद में उसके साथ क्या हुआ। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की एक मस्ट वॉच हिंदी डब एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज कीप ब्रीदिंग, जो अभी 28 जुलाई को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, और कहानी है एक लड़की की जो एक छोटे से प्लेन में कहीं जा रही होती है, और उसका प्लेन कनाडा के बीच घने जंगलों में क्रैश हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में वो अकेली ही बच पाती है, लेकिन इतना काफी नहीं होने वाला, क्योंकि उसे अकेले ही इस खतरनाक जंगल में सर्वाइव करना होगा, और कैसे अपने घर वापस पहुंच पाती है या नहीं, इस सीरीज को हिंदी डब में देखिए। नंबर 1 पे है एक नई पैन इंडिया फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी विक्रांत रोना, जिसमें मक्खी मूवी से पूरे इंडिया में पहचान बनाने वाला मिस्टर सुदीप कीचा मेन रोल में होने वाले हैं, और कहानी एक रेन फॉरेस्ट के करीब बने एक गांव की होने वाली है, जहां पे आए दिन कुछ जानलेवा घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, और पूरे गांव में दहशत का माहौल होता है, और फिर एंट्री होगी सुदीप कीचा की, जिसको किसी का भी डर नहीं होता, तो क्या है वो जिसकी वजह से पूरा गांव सहमा हुआ है, जो 28 जुलाई से वर्ल्ड वाइड 3D में रिलीज होने वाली बढ़िया मूवी है, जिसका ट्रेलर देखते हुए तो किसी हॉलीवुड बड़ी मूवी की फीलिंग आती है। तो आज की लिस्ट में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 में, जिसमें 29 जुलाई मीन्स के इस फ्राइडे को रिलीज होने वाले बाकी कंटेंट के बारे में बताता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। बाकी आपकी सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।